लेट्स रीड अनदर एग्जाम्पल पैसेज और हम रीड करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट फ्यू लाइन्स. नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, नॉट ऑल दैट इज वाइट इज मिल्क, नॉट ऑल पीपल हु वेयर सैफ्रॉन क्लोथ्स आर सेजेस. दीज एज ओल्ड सेइंग्स होल्ड ट्रू इवन नाउ, स्पेशली द लास्ट वन. स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू लाइन्स पढ़ के हमें इतना आइडिया लग गया है कि बेसिकली कहीं ना कहीं ये एक फिलोसफी रिलेटेड पैसेज है आपका. तो अब हम जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है. क्वेश्चन नंबर वन, द ओपनिंग सेंटेंस नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड मीन्स. आप यहाँ क्विकली अपने क्लू वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए. नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड मीन्स. और पैसेज में जाके हम इन्हें लोकेट करते हैं. फर्स्ट लाइन में ही हमें हमारे क्लू वर्ड्स मिल जाते हैं, नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड. अब हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है. बेसिकली वी आर बीइंग आस्क्ड द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज. ऑलरेडी अगर हम कॉन्फिडेंटली इस फ्रेज का मीनिंग जानते हैं तो हम स्ट्रेट ऑप्शंस में जाके इसको क्लिक भी कर सकते हैं. बट देन फॉर दोज ऑफ अस जो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है इस फ्रेज के मीनिंग में, तो हम उसको पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ही समझेंगे तो बेटर रहेगा. तो चलिए रीड करते हैं. नॉट ऑल दैट इज वाइट इज मिल्क, नॉट ऑल पीपल हु वेयर सैफ्रॉन क्लोथ्स आर सेजेस. यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में इट्स अ कंपैरेटिव सेंटेंस और हमें इस फ्रेज का मीनिंग क्लियर हो जाता है कि थिंग्स आर नॉट व्हाट दे लुक लाइक. तो हम जल्दी से अपने ऑप्शंस एनालाइज कर लेते हैं. ए, वन मस्ट नॉट बी डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस. बी, ओनली गोल्ड हैज दैट अनमिस्टेकेबल शाइन. सी, ग्लिटर इज द ट्रू क्वालिटी ऑफ ट्रूथ. डी, ऑल मेटल्स दैट शाइन मस्ट नेसेसरली बी एज गुड एज गोल्ड. इट गोज विदाउट सेइंग कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है. वन मस्ट नॉट बी डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस. यही इस सेइंग का, इस फ्रेज का जनरल मीनिंग भी होता है लैंग्वेज में. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Wearing saffron clothes does not make one a sannyasi is another way of saying. आप प्लीज अपने क्लू वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए. Wearing saffron clothes does not make one a sannyasi is another way of saying. पैसेज में वापस जाके हम अपने क्लू वर्ड्स लोकेट करते हैं स्टूडेंट्स. Not all people who wear saffron clothes are sages. आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे क्लू वर्ड्स हमें मिल चुके हैं अब. और इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ऑथर इज ट्राइंग टू से कि सिर्फ सैफ्रॉन क्लोथ्स पहन लेने से कोई सेंट नहीं बन जाता. नोबडी कैन बिकम अ सन्यासी ओनली बाय द चॉइस ऑफ कलर दैट ही चूजेस टू वेयर. तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं. ए, सैफ्रॉन इज नॉट द फेवरेट कलर ऑफ द सन्यासीज. दिस इज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल. बी, सैफ्रॉन मस्ट बी चेंज इंटू सम अदर कलर. अगेन हम यहाँ पे कलर के ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गुड एंड बैड, सो इट मेक्स नो सेंस. ऑप्शन नंबर सी, Anybody who wears saffron is a sannyasi. ये तो बिल्कुल गलत है because it is totally opposite from what we are being asked. D, saffron must be worn by true ascetics. Ascetics means saints या sages, जिसका meaning passage के हिसाब से sannyasis भी है. Obviously students, हमारा answer यहाँ पे है answer option number D. Saffron must only be worn by true ascetics. Please come down to the third question. The main reason for the main cause of their problems remaining hidden is. आप अपने क्लू वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए. मेन रीजन, मेन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स रिमेनिंग हिडन. चलिए पैसेज में चल के हम इन्हें लोकेट करते हैं. A sannyasi is one who guides his followers on the right path. Recently, I attended the inaugural function of a home for destitute women in Mysore. In most cases, the women were there because they were either harassed by their in-laws or tortured by drunken husbands. Owing to their socio-economic conditions, even the parents of the victim were unable to take them in and take care of their hapless children. There had also been instances where young girls lured by romance had run away from their homes and had been deserted by their lovers after honeymoon. These girls usually did not dare to return to their parents. The saying that success has many fathers but failure has none is true indeed. We get to see only the distressed women and their children, while the main cause of their problems remain hidden in the background. Hame hamare clue words mil rahe hai is line mein students. The problems remaining hidden in the background. Yahi humse question mein pucha gaya hai. So we know now ki the main reason ki unki problems background mein kyun hai. क्योंकि नोबडी एक्चुअली नोज द रियल रीजन. किसी को भी रियल कॉज उनके प्रॉब्लम्स का पता नहीं है. तो लेट्स कम डाउन टू द ऑप्शंस एंड सी. ए, पीपल आर वेटिंग फॉर इट टू कम आउट इन द ओपन.
बी पीपल डोंट वॉन्ट टू बी बॉदर्ड विद अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स, सी नोबडी हैज ट्राइड टू एक्सपोज इट, एंड डी नोबडी हैज बॉदर्ड टू फाइंड आउट द रियल कॉज. आर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी विच इज एविडेंट, जो हमें पता चल जाता है ऑप्शन को ठीक से पढ़ के. नोबडी हैज बॉदर्ड टू फाइंड आउट द रियल कॉज, दैट इज वाई द प्रॉब्लम इज हिडन. नाउ वील गो टू द क्वेश्चन नंबर फोर. Owing to their socio-economic conditions, even the parents of the victims were unable to help them because. आप अपने क्लू वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए. Owing to their socio-economic conditions, even the parents of the victim were unable to help them because. Let's see in the passage. Owing to their socio-economic conditions, आप देख सकते हैं sixth line में from the top हमें हमारे क्लू वर्ड्स मिल रहे हैं. Owing to their socio-economic conditions, और ये लाइन हमने पहले भी पैसेज में रीड की थी जब हम पैसेज को एक रीडिंग दे रहे थे. सो लेट अस अंडरलाइन इट एंड सी. इवन द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम्स वर नॉट एबल टू हेल्प देम और वर अनएबल टू हेल्प देम टेक देम इन एंड टेक केयर फॉर देयर हेल्पलेस चिल्ड्रन. अब हम अपने ऑप्शंस एनालाइज कर लेते हैं एक बार. ए, सोसाइटी कंसिडर देम टू बी बैकवर्ड, इट इज मेकिंग नो सेंस एट ऑल. बी, देयर सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन डिड नॉट अलाउ देम टू डू सो. दिस इज एग्जैक्टली वॉट इज रिटन इन द पैसेज कि बिकॉज ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पेरेंट्स वर नॉट एबल टू हेल्प देम. सो वी हैव फाउंड आर आंसर विच इज द ऑप्शन नंबर बी. आप इसे क्विकली टिक कर लीजिए. एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व्ड अनदर पैसेज बाय यूजिंग आवर रिवर्स मेथडोलॉजी. आई होप इतने एग्जाम्पल पैसेजेस करने के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे रिवर्स मेथडोलॉजी से आपका टाइम बच रहा है और कैसे ईजिली आपको आंसर्स भी पैसेज में से मिल जा रहे हैं. जस्ट टू प्रूव आवर रिसर्शन फर्दर, हम आके थोड़े और पैसेजेस सॉल्व करते हैं आपके साथ और देखते हैं कैसे हमारा इस मेथडोलॉजी पे कमांड बनता है. हियर इज अनदर पैसेज फॉर अस ऑन योर स्क्रीन. चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं. द हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. द हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज द कॉन्टिन्यूस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी. स्टूडेंट, फर्स्ट थ्री लाइन्स आर गिविंग अ गुड ग्लिम्स टू अस कि पैसेज किस बारे में है. तो आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन मेक आउट नाउ कि पैसेज इज अबाउट ह्यूमन बॉडी, इट इज अबाउट हार्ट, इट्स अ बायोलॉजी और साइंस रिलेटेड टॉपिक हियर. चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है हमसे. क्वेश्चन नंबर वन, ऑल द बॉडी सेल्स नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ. आप अपने क्लू वर्ड्स प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए. बॉडी सेल्स नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ. और चल के पैसेज में हम इन्हें लोकेट कर लेते हैं. जब हम थर्ड लाइन में आते हैं तो वी कैन सी द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ द थर्ड लाइन से ऑल द बॉडी सेल नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो हमें हमारा आंसर इमीडिएटली मिल जाता है कि द बॉडी सेल्स नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. अब आप आके अपने ऑप्शंस एक बार देखिए. ए, हाइड्रोजन. बी, हीलियम. सी, ऑक्सीजन. डी, नाइट्रोजन. ऑब्वियसली इट इज राइटिंग ऑन द वॉल कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि पैसेज में हमें ये दिया गया है. क्वेश्चन नंबर टू, द हार्ट सेंड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड. आप अपने क्लू वर्ड्स अंडरलाइन कर लें. हार्ट सेंड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड. और पैसेज में चल के इनको जल्दी से ढूंढ लेते हैं. सेकेंड सेंटेंस जब आप एनालाइज करें तो आप देखिएगा कि आपको आपकी क्लू वर्ड्स वहीं मिल जा रहे हैं. द हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज द कॉन्टिन्यूस जॉब, आप इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, हैज द कॉन्टिन्यूस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी. आप ऑप्शंस पे आ जाइए. ए, टू द किडनी ओनली, एंटायर बॉडी, लंग्स ओनली और टू द ब्रेन ओनली. हमें पता है पैसेज पढ़ने के बाद पैसेज में क्लियरली लिखा है फ्लोइंग थ्रू द बॉडी. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टू द एंटायर बॉडी. लेट्स कम डाउन टू द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ द ब्रेन सेल्स सर्वाइव. आप अपने क्लू वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए. सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट ऑफ ब्रेन सेल्स सर्वाइव. आके पैसेज में हम इन्हें ढूंढेंगे ना. All the body cells need a constant supply of oxygen, particularly in the brain. The brain cells live only 4 to 5 minutes after the oxygen is cut off. आप यहाँ अपने आंसर को अंडरलाइन कर लीजिए टू ग्रेस्प इट बेटर. और आंसर हमें मिल चुका है. हम अपने ऑप्शंस में एक बार देखते हैं विच इज द राइट वन. ए, 9 टू 10 मिनट्स. बी, 15 मिनट्स. सी, फॉर एन आवर. डी, फॉर 4 टू 5 मिनट्स. जैसा कि हमने अभी पैसेज में पढ़ा था 4 to 5 मिनट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. द आंसर इज राइट हियर. हम इसे
टिक कर लेते हैं 4 to 5 minutes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनालाइज करते हैं. हार्ट डिजीजेस अकर फ्रॉम, आप अपने क्लूवर्ड्स अंडरलाइन करिए जो कि है हार्ट डिजीज और इसके कॉजेज अकर फ्रॉम से मतलब है वी हैव बीन आस्क्ड द कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज. चलिए पैसेज में देखते हैं. हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द हार्ट मसल्स, द वॉल्स और द पेसमेकर. आप इसे जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है. हार्ट डिजीजेस कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द हार्ट मसल्स, वॉल्स और पेसमेकर. एंड वी विल फाइंड देम आउट इन द ऑप्शंस ए कोरोनियम, बी पेरिकार्डियम, सी हार्ट सेल्स, डी डैमेज टू द हार्ट मसल्स. जैसा कि अभी आपने खुद पढ़ा है द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द हार्ट मसल्स. आप इसे क्लिक कर लीजिए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. डॉक्टर जॉन गिबन ऑफ US डिवेलप्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट इन. स्टूडेंट्स दिस इज अ कंप्लीट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस जहां हमसे सिर्फ डेट्स, नेम्स, ईयर, फ्रेजेस या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है, ये हमारे कंप्लीट हार्डकोर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. दीज आर मोस्ट ईजी टू आंसर एंड फेचेस मार्क्स वेरी इजीली, क्योंकि इन्हें लोकेट करना पैसेज में बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए. दे टोटली स्टैंड आउट इन द पैसेज. तो आप अपने क्लू वर्ड्स को पहले अंडरलाइन कर लें. डॉक्टर जॉन गिबन, US developed an artificial heart in. Let's find out the answer now. If the muscle is damaged, the heart is unable to pump blood properly. If the walls are damaged, blood cannot flow normally. Dr. John Gibbon of US, आपको keywords मिल रहे हैं यहाँ, please underline them. John Gibbon of US developed a machine in 1953 that could take over temporarily from the heart. हमें हमारा answer मिल गया है. It is 1953. चलिए ऑप्शंस में जाके करेक्ट डेट आप फाइंड आउट करिए. एंड आपको दिख रहा है ऑन योर स्क्रीन ये द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1953. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था इस तरह के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजीली आंसर हो जाते हैं बिकॉज थिंग्स लाइक डेट्स, थिंग्स लाइक नेम्स, नेम्स ऑफ कंट्रीज, दे स्टैंड आउट क्लियरली इन द पैसेज. अगर आप जरा भी फोकस के साथ उसको ढूंढें और पैसेज में रीड करें तो इट बिकम्स रियली ईजी फॉर यू टू टेक द राइट ऑप्शन फ्रॉम देम. नाउ स्टूडेंट यहाँ हमने एक और पैसेज खत्म किया है सॉल्व करना और हम एक और पैसेज एनालाइज करेंगे नेक्स्ट और देखते हैं कि कितना इजी होता है हमारे लिए ये पैसेज सॉल्व करना रिवर्स मेथोडोलॉजी के साथ. सो लेट्स रीड ऑन अनदर पैसेज. मैं इसकी फर्स्ट फ्यू लाइंस पढ़ रही हूँ. अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिमिलर सोर्सेज मेड एक्सेसिबल टू अ डिफाइंड कम्युनिटी फॉर रेफरेंस और बोरोइंग. It provides physical or digital access to material and may be a physical building or room or a virtual space or both. After reading the first few lines, I can say ki the passage is talking about library. Yahan topic of discussion hai library aur library ke functions, inke uses aur inki importance. To chaliye hum apne questions analyze karte hain aur dekhte hain kya pucha ja raha hai humse. Question number 1. What is the use of a library? Aap apne clue words underline kar lijiye. Use of a library. और चलिए पैसेज में जाके हम इसे इंफॉर्मेशन को पुल आउट करते हैं. लेट्स रीड ऑन स्टूडेंट्स. अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिमिलर सोर्सेज मेड एक्सेसिबल टू अ डिफाइंड कम्युनिटी फॉर रेफरेंस और बोरोइंग. इट प्रोवाइड्स फिजिकल और डिजिटल एक्सेस टू मटीरियल. वी कैन अंडरलाइन दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन यूज ऑफ अ लाइब्रेरी. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिमिलर रिसोर्स फॉर रेफरेंस और बोरोइंग. It provides physical or digital access to material. चलिए अपने options analyze कर लीजिए. A. To make sources of information and resources accessible to people. B. To provide a place for gathering and discussions. C. For holding of public events and functions. D. So that people can store their books and CDs here. It goes without saying कि question का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि पैसेज में हमें ऑलरेडी मिल चुका है. इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज एक्सेसिबल टू पीपल और अ डिफाइंड कम्युनिटी ऑफ पीपल. प्लीज कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइब्रेरीज कैन रेंज इन साइज फ्रॉम. यहाँ लाइब्रेरी के साइज के बारे में हमसे पूछा गया है. हम अपने क्लू वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं. लाइब्रेरीज कैन रेंज इन साइज फ्रॉम एंड चल के पैसेज में से फाइंड आउट करते हैं. It provides physical or digital access to material and may be a physical building or a room or a virtual space
और बोथ. A library's collection can include books, periodicals, newspapers, manuscripts, films, maps, e-books and other formats. Libraries range in size from a few shelves of books to several million items. We have already found our clue words. Libraries range in size from a few shelves of books to several million items. Please come down to the question and find the correct option now. A. Some specific area as permitted by the government. B. From a few shelves to a millions of items. We know this is the right answer. हम इसे टिक कर देते हैं क्योंकि पैसेज में एग्जैक्टली यही वर्ड्स हमें मेंशन किए गए हैं जो कि आपने अभी रीड किया था लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु कैन ओन अ लाइब्रेरी. आप अपनी क्लू वर्ड्स को प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए. हु कैन ओन अ लाइब्रेरी और चलिए पैसेज रीड ऑन करते हैं. A library is organized for use and maintained by a public body, an institution, a corporation, or a private individual. Students, हमें यहाँ clearly पता चल रहा है through the use of these clue words, a library is organized for use and maintained by a public body, institution, corporation, private individual. Means कहीं ना कहीं these are the people, these are the group of people, or these are the things which are responsible for ownership and maintenance of a library. So we will go to our options. A. Only a permanent license holder from some political party. This is totally out of question क्योंकि कहीं भी passage में हमें ऐसी information नहीं दी गई है. B. A school or college and some other established educational institution. Again this option makes no sense to us. C. Public body, institution, corporation or a private individual. This is definitely the right answer. हम देख सकते हैं हमने पैसेज में अभी यही चीज रीड की थी. Students, now we move on to another passage. हम एक और पैसेज एनालाइज करके देखेंगे रिवर्स मेथडोलॉजी यहाँ यूज करके कि हम इसे कैसे सॉल्व कर पाते हैं. तो लेट्स रीड ऑन द पैसेज. मैं इसकी फर्स्ट फ्यू लाइन्स पढ़ूंगी. प्लीज रीड विद मी. मैन्स ग्रोथ फ्रॉम बारबेरिज्म टू सिविलाइजेशन इज सपोज टू बी थीम ऑफ हिस्ट्री बट समटाइम्स looking at the great stretches of history, it is difficult to believe that this ideal has made such progress or that we are very much civilized or advanced. First three lines से मुझे ये idea मिलता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक philosophy related passage ही है and कहीं ना कहीं author हमसे कुछ history और philosophy के बारे में discussion कर रहे हैं. तो चलिए हम अपने question answers पे आते हैं और देखते हैं कि what specifically is being asked from us. Question number one, what is the main reason for the want of cooperation today? आप प्लीज अपने keywords underline कर लीजिए. Main reason for the want of cooperation. और इनको passage में हम locate करेंगे. There is enough of want of cooperation today, of one country or people selfishly attacking or oppressing another, of a man exploiting another. अगर हम लास्ट लाइंस पढ़ें अपने फर्स्ट पैराग्राफ की तो हमें यहाँ क्लू वर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के. देर इज इनफ वॉन्ट ऑफ कोऑपरेशन टूडे ऑफ वन कंट्री ऑफ पीपल सेल्फिशली अटैकिंग ऑपरेसिंग अनदर और ऑफ अ मैन एक्सप्लॉइटिंग अनदर. चलिए आपके ऑप्शंस आके एक बार एनालाइज कर लीजिए. ए. ऑल पीपल इन मॉडर्न टाइम्स हैव बिकम रादर वायलेंट. बी. वॉर सीम्स इनएविटेबल एज ऑल कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद वन अनदर. सी. One country or people selfishly attacking or oppressing another or of one man exploiting another. Option number C ही हमारा correct answer है क्योंकि यही चीज हमने अभी passage में पढ़ी है as you can see here और आपने इसे underline भी किया होगा. Now let's move on to the question number 2 from the same passage. Why are insects and tiny bees better than humans? आप अपने clue words underline कर लीजिए to begin with. Why are insects and tiny bees better than humans? Almost like a comparison we are supposed to do here. तो चलिए हम पैसेज में से निकालते हैं कहाँ ये keywords mentioned है. It is well to remember that in many ways, man has not made very great progress from other animals. It may be that in certain ways some animals are superior to him. Still, we look down upon insects as almost the lowest living things. And yet the tiny bees and ants have learnt the art of cooperation and of sacrifice for the common good far better than man. जिस comparison की हम बात कर रहे थे question number 2 में वो first 3 lines में हमें already दिख रहा है कि author ने draw किया है. So we will find out the clue words here. Far better than man. Now we have to answer why. Why are bees far better than man?
बिकॉज इट्स क्लियरली रिटन हियर दैट टाइनी बीज एंड एंट्स हैव लर्न द आर्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड ऑफ सैक्रिफाइस फॉर कॉमन गुड फार बेटर दैन ह्यूमन्स. सो लेट्स सी देम इन द ऑप्शन नाउ. ए, दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ कोऑपरेशन एंड सैक्रिफाइस बेटर दैन ह्यूमन्स. तो स्टूडेंट्स, पहले ही ऑप्शन में हमें हमारा आंसर मिल गया है. दीज आर द एग्जैक्ट कीवर्ड्स व्हिच हैव बीन मेंशनड इन द पैसेज हियर, जो कि हमने अभी अंडरलाइन किया था, और हम ऑप्शन ए को टिक करते हैं एज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स गो डाउन टू द थर्ड क्वेश्चन. द संस्कृत वर्स इन द पैसेज टीचेस अस टू. आप अपने क्लूवर्ड्स को जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए. संस्कृत वर्स इन द पैसेज टीचेस अस टू. चलिए लेट्स फाइंड आउट विच संस्कृत वर्ड आर वी बीइंग आस्क्ड अबाउट. In one of our old Sanskrit books, there is a verse which may be translated as follows. For family, sacrifice the individual. For communities, the family. For the country, the community. And for the soul, the whole world. So this is the Sanskrit word that is being spoken about. Ab hum is underline kar lijiye aap isko. Translation se hume ye pata chalta hai. कि द संस्कृत वर्ड संस्कृत वर्स इज बेसिकली टीचिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अ सैक्रिफाइस विच इंडिविजुअल्स और ह्यूमंस शुड मेक फॉर द कंट्री और फॉर द कम्युनिटी और फॉर द फैमिली और फॉर द वर्ल्ड. सो लेट अस फाइंड द ऑप्शंस इन द पैसेज. ए, टू फोकस ऑन हाउ टू टॉक टू अदर्स इन डेली लाइफ. बी, लेसन ऑफ कोऑपरेशन एंड सैक्रिफाइस फॉर द लार्जर गुड. सी, टू मूव ऑन विद लाइफ विद एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस. डी, to take our educational values very seriously and implement them in life. Students, हमें clearly दिख रहा है कि option B is standing out here, क्योंकि ये बात कर रहे हैं about cooperation and sacrifice, जो कि हमने already इस verse में पढ़ा है. Sacrifice and for the larger good of the community and the world. So this will be the answer. Now let's go to the fourth question. According to the author, what emotion does sacrifice create in us? आप अपने क्लूवर्ड्स प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए. According to the author, emotion, what emotion does sacrifice create in us? स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्वेश्चन को ठीक से समझने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इन अ वे ये एक बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है. इन अ वे इट इज़ मोर ऑफ अ मीनिंग डिराइव्ड इन्फरेंस लॉजिक रीजनिंग डिराइव्ड क्वेश्चन. इसमें हम जब तक सैक्रिफाइस वर्ड का मीनिंग ठीक से नहीं समझेंगे, हम इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकेंगे. ये हमसे पूछ रहे हैं कि आफ्टर रीडिंग द वर्ड सैक्रिफाइस, कौन सा इमोशन से हम रिलेट कर पाते हैं. विच इमोशन कम्स टू आवर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड सैक्रिफाइस. लेट्स से द ऑप्शंस वंस. अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ गिल्ट और एनिमोसिटी और रिग्रेट. इसके लिए हम इसे पैसेज में लोकेट करेंगे टू फाइंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड, क्योंकि इट्स नॉट अ डायरेक्ट वर्ड मीनिंग और वोकैबुलरी क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू द पैसेज. सो लेट अस गो बैक टू द पैसेज. पैसेज में जाके हम सैक्रिफाइस वर्ड को फाइंड आउट करते हैं. बट द लेसन द संस्कृत वर्ड्स टीचेस अस इज द सेम लेसन ऑफ कोऑपरेशन एंड सैक्रिफाइस फॉर द लार्जर गुड. वी इन इंडिया हैड फॉरगॉटन दिस सोवरन पाथ ऑफ रियल ग्रेटनेस फॉर मेनी अ डे, बट अगेन We seem to have glimpses of it and all the country is astir. How wonderful it is to see men and women, boys and girls, smilingly going ahead in India's cause and caring about any pain or suffering. Well, may they smile and be glad for the joy of serving. A great cause is also great. They will also be fortunate enough to get the joy of sacrifice. Now students, in the last line of the passage, in the very last line, in the very last few words, हमें इसका answer मिल जाता है. Which emotion does sacrifice create in us? Joy of sacrifice. So the emotion which sacrifice basically creates in us, according to the author and according to this passage, is the emotion of joy, happiness. हम अपने options में already देख चुके हैं where the word joy is mentioned. It is the option number B, a feeling of joy. और ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अब अपने नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं और इसको भी हम सेम मेथडोलॉजी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. आई विल रीड द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ दिस पैसेज एंड यू प्लीज रीड विद मी. एजुकेशन प्लानिंग शुड एम एट मीटिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स.
while the traditional structure of education has a three layers hierarchy, from the primary stage to the university represents the core, we should not overlook the periphery, which is equally important. Students, after reading the first few lines, we can see that this passage is dealing with education. Ye passage education ke baare mein hai, ye passage traditional education ke baare mein hai, university education ke baare mein hai, aur kahin na kahin educational approach jo hamari country mein hai, usko discuss kar rahe hain. To chaliye hum apne questions read karke dekhte hain how to solve them. Question number one. The main purpose of educational planning should be. आप अपने कीवर्ड्स को जल्दी से हाईलाइट कर लीजिए. मेन पर्पस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग शुड बी. चलिए, लेट अस गो एंड फाइंड देम इन द पैसेज नाउ. अंडर मॉडर्न कंडीशंस, वर्कर्स नीड टू रिवाइंड और रिन्यू देयर एंथुजियाज्म और स्ट्राइक आउट इन अ न्यू डायरेक्शन और इम्प्रूव देयर स्किल्स एज मच एज एनी अदर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. द रिटायर्ड एंड द एजड हैव देयर ओन नीड्स एज वेल. एजुकेशन प्लानिंग इन अदर वर्ड्स शुड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ एवरीवन. The last sentence of the first paragraph, which is also the fourth line from above, answers our question number one. क्योंकि same clue words हमें यहाँ मिल रहे हैं. Educational planning should take care of the needs of everyone. So please come back to the options and find these clue words. A. To prepare the students for writing exams. B. To prepare people for being able to take up jobs in future. Students, first two options बिल्कुल भी logical नहीं है given the passage. This is not what we have read in the passage at all. So, आप ऑप्शन नंबर सी देखिए. मीटिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स. आप इस ऑप्शन को स्ट्रेट टिक कर सकते हैं बिकॉज अभी आपने पैसेज में सेम चीज पढ़ी है. शुड टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ एवरीवन. सो यू हैव ऑलरेडी फाउंड द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर वन. नाउ प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर टू. वॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ द वर्कर्स. स्टूडेंट्स, अभी फर्स्ट पैराग्राफ में एज यू रिमेंबर हमने कहीं पे वर्कर्स के बारे में क्लियरली रीड किया है. सो वी विल गो बैक टू द फर्स्ट पैराग्राफ एंड सी कि कहाँ हमें इस क्वेश्चन के क्लू वर्ड्स मिल सकते हैं. तो आप अपने क्वेश्चंस के क्लू वर्ड्स पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए. इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द वर्कर्स. एंड चलिए, वी विल फाइंड देम नाउ इन द फर्स्ट पैराग्राफ. Under modern conditions, workers need to rewind or renew their enthusiasm, strike out in a new direction, improve their skills as much as any university professor. हमें हमारे keywords यहाँ मिल रहे हैं. We are talking about the need of the workers in modern conditions. Please आप इन्हें underline कर लीजिए. Renew or rewind their enthusiasm, strike out in a new direction, improve their skills as much as any university professor. चलिए अब अपने options analyze करते हैं one by one. A. To be paid more money than what they already get. B. Workers need to rewind or renew their enthusiasm and strike out in a new direction. Same keywords we have found here as are available in the passage. हम option B को tick कर सकते हैं without doubt. यही हमारा answer है because हमने अभी यही चीज passage में read की थी. Rewind or renew enthusiasm or new direction or skills. तो चलिए question number 3 पढ़ते हैं. Our traditional structures of education is based on the wrong assumption that. आप जल्दी से अपने clue words पे ध्यान दीजिए. Traditional structure of education is based upon the wrong assumption that. चलिए, let's read the passage and find it out. Our structures of education have been built upon the assumption that there is a terminal point to education. Student, in the first line of the second paragraph, हमें ये keyword already मिल रहे हैं. और ट्रेडिशनल आर स्ट्रक्चर्स ऑफ एजुकेशन. सेम चीज हमसे पूछी जा रही है अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ एजुकेशन. सो द आंसर इज दे हैव बीन बिल्ट अपॉन द अजम्पशन दैट देयर इज अ टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन. टर्मिनल पॉइंट मींस एंड पॉइंट. सो लेट अस गो बैक टू द ऑप्शंस और देखते हैं क्या है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ. ए. देयर इज अ टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन. तो विदाउट हैविंग टू टेक द पेज ऑफ रीडिंग ऑल द अदर ऑप्शंस, आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही अपना आंसर क्लियरली मिल गया है. आप इसे इजीली टिक कर सकते हैं बिकॉज हमने पैसेज में एग्जैक्टली यही वर्ड्स अभी रीड किए हैं. टर्मिनल पॉइंट ऑफ एजुकेशन. प्लीज कम डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पैसेज. क्वेश्चन नंबर 4 विच सेज द असेंशियल पर्पस ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज इज. आप अपने क्लू वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए. असेंशियल पर्पस ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी और they are asking us the use of open university. चलिए पैसेज में जाके देखते हैं कहाँ अवेलेबल है ये keywords. स्टूडेंट, मैंने एक बार सेकेंड पैराग्राफ को जल्दी से स्किम थ्रू कर लिया. आई रेड द सेकेंड पैराग्राफ एंड सेम थिंग यू कैन ऑल्सो डू क्विकली.
क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या ये कीवर्ड सेकंड पैराग्राफ में है, बिकॉज ऑलरेडी हम एक आंसर सेकंड पैराग्राफ से ड्रॉप कर चुके हैं अबाउट टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन। अगर एक बार हम सेकंड पैराग्राफ को जल्दी से रीड करते हैं तो वी कम टू नो दैट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओपन यूनिवर्सिटीज एट ऑल। तो हमें डिटेल में अब इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम डायरेक्टली अपने थर्ड पैरा पे आ जाते हैं और इसमें ढूंढते हैं कि कहाँ हमें हमारे कीवर्ड्स मिल सकते हैं। तो हम इसको रीड करते हैं। इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट सिग्निफिकेंस ऑफ अ कमिटमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड लाइफ टाइम एजुकेशन इज बीइंग डिस्कस्ड ओनली इन रीसेंट ईयर्स इवन इन एजुकेशनली एडवांस्ड कंट्रीज, द पॉसिबिलिटी ऑफ द आइडिया becoming an integral part of education thinking seems to be a far cry. For to move in that direction means much more than some simple rearrangement of the present organization of education. But a good beginning can be made by developing open university programs for older learners of different categories and so on. यहाँ हमें हमारा कीवर्ड इजीली मिल रहा है विच इज ओपन यूनिवर्सिटी। सो प्लीज अंडरलाइन दिस कीवर्ड्स हियर स्टूडेंट्स, ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन आस्किंग अस, यूज ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज। सो हमारा आंसर भी इस लाइन में ही छिपा है। द यूज ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी इज फॉर ओल्डर लर्नर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड इंट्रोड्यूसिंग एक्सटेंशन सर्विसेज बियॉन्ड द कन्वेंशनल कॉलेजेस एंड स्कूल्स। तो हम अपने ऑप्शंस एनालाइज कर लेते हैं एक बार वन बाय वन। ए, फॉर दोज हु डू नॉट वांट टू गो आउटसाइड ऑफ देयर होम्स। बी, फॉर दोज हु हैव स्पेशल एजुकेशन नीड्स। सी, फॉर ओल्डर लर्नर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड इंट्रोड्यूसिंग एक्सटेंशन सर्विसेज इन द कन्वेंशनल कॉलेजेस एंड स्कूल। क्लियरली ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकॉज अभी हमने इसको पैसेज में थरली रीड किया है एंड यू हैव अंडरलाइंड इट एज वेल। So students, we have answered all four questions from this education-based passages by using a reverse methodology. और ये सारे examples करके I'm sure अब तक आपको थोड़ा एक hands-on, एक confidence develop हो गया होगा as to how to use reverse methodology. Just to take it a step further, हम थोड़े passages और examine करते हैं और आप try करिए कि कैसे ये clue word और location और वापस आके options को click करना, how you end up mastering this skill, because जितनी जल्दी आप इस skill से familiar हो जाएंगे उतना आप passage based questions को minimum time में अपने exam time में despite whatever stress you have, despite whatever time shortage you are having, आप successfully solve कर सकेंगे। तो चलिए next passage और analyze करते हैं एक and I will read the first few lines of the passages और आप मेरे साथ अपने screen पे please focus करें। Whenever we consider the trauma which animals undergo due to avid use of plastics in human life, we mostly focus on the miserable plight of marine animals. However, the land animals and especially the stray ones are equally suffering because of reckless dumping of polythene and plastic wastes by people. First two lines are enough information for me to know कि हम यहाँ stray animals की बात कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं प्लास्टिक्स की ह्यूमन लाइफ में, एनिमल लाइफ में, और कैसे प्लास्टिक्स हमें हार्म करते हैं इसके बारे में ऑथर हमसे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स गो डाउन टू द क्वेश्चंस एंड सी हमसे क्या पूछा गया है इस पैसेज के बारे में। क्वेश्चन नंबर वन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई आर लैंड एनिमल सफरिंग। प्लीज अंडरलाइन योर कीवर्ड स्टूडेंट्स, व्हाई आर लैंड एनिमल सफरिंग। लेट्स फाइंड दिस आंसर इन द पैसेज। आप देख सकते हैं जो लाइंस हमने ऑलरेडी अभी रीड की थी, इन द सेकेंड लाइन इटसेल्फ, सेकेंड लाइन फ्रॉम द टॉप, वी कम टू नो दैट लैंड एनिमल्स एंड स्पेशली द स्ट्रे वंस आर इक्वली सफरिंग बिकॉज ऑफ द रेकलेस डंपिंग ऑफ पॉलिथीन एंड प्लास्टिक वेस्ट्स बाय पीपल। हमें फर्स्ट लाइन में ही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। सो प्लीज कम एंड सी योर ऑप्शंस वंस। ए, रेकलेस डंपिंग ऑफ प्लास्टिक अलॉन्ग विद अदर वेस्ट्स। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमें सारे कीवर्ड्स फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहे हैं, रेकलेस डंपिंग ऑफ प्लास्टिक। यू नीड नॉट गो एनी फर्दर। आप बाकी ऑप्शंस में टाइम वेस्ट ना करें और इमीडिएटली ऑप्शन ए को आप कॉन्फिडेंटली क्लिक कर सकते हैं एज योर राइट आंसर। नाउ प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डू द म्युनिसिपल सुपरवाइजर्स गेट रूटीन कॉल्स। प्लीज अंडरलाइन योर कीवर्ड्स, म्युनिसिपल सुपरवाइजर्स, रूटीन कॉल्स। चलिए पैसेज रीड ऑन करके इनको भी फाइंड आउट करते हैं। It is a routine for municipal supervisors in Dehradun to receive a deluge of complaints each day from residents demanding clearing up of rotting stray animal remains. Students, keywords हमें already हमें मिल रहे हैं second paragraph के first line में ही अगर आप ध्यान दें तो। It is a routine for municipal supervisors in Dehradun to receive a deluge of complaints each day from residents demanding clearing up of rotting
स्ट्रे एनिमल रिमेन्स. तो प्लीज कम डाउन टू वॉट योर ऑप्शन एंड सी वॉट ऑप्शन आर वी बींग गिवन. ए एज पीपल वॉन्ट टू मेक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम. बी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी. स्टूडेंट्स ए और बी दोनों ऑप्शन टोटली सेंसलेस हैं बिकॉज हमने पैसेज में ये चीज कहीं भी नहीं पढ़ी है. लेट्स सी द ऑप्शन नंबर सी. रेजिडेंट्स डिमांडिंग क्लियरिंग अप ऑफ रोटिंग स्ट्रे एनिमल रिमेन्स. दीज आर एग्जैक्टली द कीवर्ड्स इन द पैसेज. तो हम इसे कॉन्फिडेंटली क्लिक करते हैं. यही हमारा करेक्ट आंसर है. प्लीज आप थर्ड क्वेश्चन को देखिए. वाई शुड पीपल नॉट थ्रो अवे फूड इन प्लास्टिक और पॉलिथीन कवर्स. आप अपने क्लू वर्ड्स को प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए. Why should people not throw away food in plastic or polythene covers? Please read on the passage and see where are these keywords located. In fact, there is a paucity of accurate data on exactly how many feral cows, dogs and cats die by either consuming plastic waste or get strangulated by polythene. In the absence of closed and separate dustbins for discarding plastic, all the waste in the bins gets mixed up. Moreover, most of the times, the waste spills on the roadsides due to irregular collection by municipal authorities. In Dehradun, like most other cities, most other small towns across India, stray animals are usually underfed. It is evident from how cows, monkeys, dogs and cats flock around large overflowing municipal garbage bins in search of food. These poor animals end up ingesting plastic pieces which are jumbled up with the food waste. Incidences of cow eating away polythene bags and having it stuck in their throats and stomachs are extremely common. These animals suffer tremendously as the plastic causes internal injuries to them and polythene usually suffocates them to death. Unfortunately, इस पैराग्राफ से हमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला है. So let's quickly go on to the next para to find these clue words. It is a common practice among people to throw away their food waste and leftovers by wrapping them in polythene covers. Now we already found the answer in the first line of the third para, as you can see on your screen, wrapping them in polythene cover. We also have the answer here, क्योंकि हमसे पूछा गया है why should people not throw away food in plastic or polythene covers. तो हमारा answer यही है in this line that if they do that, it proves very dangerous for the animal population as they can smell the food from inside the polythene cover and they believe the cover to be edible as well. So please apne options ek baar aap analyze kariye. A. It causes many ecological problems. B. Animals can smell the food from inside the polythene covers and they believe the cover to be edible as well. Aap ise safely tick kar sakte hain because this is exactly what is being told to you in the passage also jo ki aapne abhi is line mein padha tha. Now students, please come to the question number 4. According to the author, microplastics have become. आप अपने clue words को underline कर लीजिए. Microplastics have become. Now let us read on to find these clue words as well. Students, as we have seen in the third paragraph, हमने already इस paragraph में से एक answer draw कर लिया है. इसलिए अब हम next question का answer find out करने के लिए let us come back to the next paragraph. इसके अगले paragraph को एक बार analyze करते हैं और इन clue words को ढूंढते हैं. When it comes to using plastics, humanity must come before convenience. Plastic not only poses a health hazard for humans, but is equally toxic for the environment too due to its inability to get decomposed. Animals are an important and integral component of our ecosystem. From the feral animals to the scavengering birds, microplastics have become an inseparable part of the food chain. Students, we have found our clue words here in the last line of the third paragraph. Microplastics have become inseparable part of the food chain. So let's find the options in the answer now. A. An inseparable part of the food chain. And this is exactly what your answer is. Luckily, आपको अपने option A में ही अपना answer मिल गया without going any further into other options. आप इसे tick कर लीजिए. And one last question we have here. Government should make it mandatory for manufacturing organizations too. आप please अपने क्लूवर्स को अंडरलाइन करिए. गवर्नमेंट शुड मेक इट मैंडेटरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स टू. अगेन अ वेरी कम्प्लीटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो हम अपना नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ एक बार एग्जामिन करते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ टू इम्प्लीमेंट अ कम्प्लीट बैन ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स एंड मस्ट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू टेक बैक प्लास्टिक बैग्स मेड बाई देम. इन द लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में वी ऑलरेडी फाउंड दिस कीवर्ड्स.
make it mandatory for all the commercial manufacturing organizations to take back plastic bags made by them. So, hum apne options analyze kar lete hain. A, take back and dispose separately their plastic bags. B, to pay huge fine. C, to shut down their operations. D, to donate money for upkeep of feral animals. So, obviously, option number A is the right option because hume passage mein ye cheez already mil chuki hai. To take back the plastic bags made by them.